नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। एक बड़ी खबर है इसलिए हमारे साथ आज बाबा मौजूद हैं रातों रात में। आपको पता है कि बजट पास कल हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत खुश हैं बजट पास होने के बाद। उनको लगता है कि बिहार में रामराज आ गया है, लेकिन उनके भाई हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, जिसपे कि सारा दारोमदार है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए हम बाबा से जानते हैं। बाबा ये बताइए, क्या है पूरा मामला जो नीतीश कुमार के भाई नाराज हो गए हैं? बजट तो पास हो गया है, लेकिन नीतीश फेल हो गए। विशाल, पूरे दिन कल आप लोगों ने विधानसभा का परिक्रमा किया जी, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से आपकी बातचीत हुई, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा जी। सरकार में बैठे लोगों को लग रहा था कि अब तो सब कुछ बदल गया है, वैसे मंदिर बन ही रहा है तो बिहार में नजदीक है, तो भाई रामराज तो आ जाना है जी जी। लेकिन क्या ये बजट अब तक के इतिहास में पहली बार आया है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हर साल बजट आता है, हर साल चीजें रखी जाती हैं, तथ्य रखे जाते हैं, तय किया जाता है कि इतने राशि में हम पूरे साल तक अलग अलग खंड को विकसित करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की अपनी मंशा भी होती है, उनके राजनीतिक जो बहुत सारे वादे होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और खास करके उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिन चीजों से उन्हें चुनाव में उतरना है जी। इस बार की स्थिति आपको पता है बिल्कुल, कि किस तरह से एकदम मार्जिनल सरकार चल रही है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा जो है, मैजिक आंकड़ा जो है, उससे एकदम मार्जिनल चल रही है। कब इधर से उधर हो जाए कहना मुश्किल। मैंने सुना था कि कल आप संपादक नमन मिश्रा जी और आपके बीच में बातचीत हो रही थी, तो आप लोगों ने वो नाव वगैरह की कुछ बात की थी जी, कि चूहे पहले भागते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, जब नाव डूबने वाला होता है सबसे पहले चूहे भागते हैं। और आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि नाविक चूहों को भगाने के लिए नाव में पानी डाल देता है जी, नाव को और किनारे पर ला करके नाव को कस के हिलाता है, जिससे चूहों को लगता है कि अब तो पानी भरने वाला, तो भागो। तो ये सारी बातें जो है जी, अब इस बजट में गुना भाग जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके हैं हम लोग जी। हम क्या करेंगे, पूरा बिहार को करना चाहिए, बिहार की 12.5 करोड़ जनता को करना चाहिए, इस देश को करना चाहिए, और देश के सबसे शीर्ष पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री को भी करना चाहिए कि बिहार जैसा राज्य जिसके मुखिया बार बार गुहार लगाते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, झोली फैला करके मांगते हैं, वो उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलता है, और विशेष राज्य का दर्जा तो बहुत दूर की बात है जी। और ऐसी स्थिति में उनके भाई का नाराज होना जायज भी बनता है बिल्कुल, क्योंकि आप भाई को सिर्फ वोट के लिए यूज नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के दो भाइयों की, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं जी, मंझले भाई हैं नीतीश कुमार जी। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने अपना बड़ा भाई लालू प्रसाद को बनाया था और छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को बनाया था जी, दोनों ही उनके साथ नहीं है। जब उनको जरूरत महसूस होती है तो 2005 में लालू प्रसाद को किस तरह से उन्होंने पराया कर दिया, और भाई वो बहुत बढ़िया कहावत है हमारे भोजपुरी में, हम तो भोजपुरी बोलबे करो बाज आवे वाला बानी ना जी जी, एगो बहुत बढ़िया कहावत है भोजपुरी में कि भाई है सन दोस्त, भाई है सन दुश्मन, बिल्कुल ये धरती पर नहीं के भाई, और हिंसा बकरा तो छोड़ दो, तो कैसे अलगू ना हो सके जी, खून का रिश्ता बा। अब स्थिति यह है कि लालू प्रसाद को जब उनको जरूरत महसूस हुई 2005 में अलग कर दिया, 2015 में जरूरत पड़ी फिर साथ छोड़ लिया, 2017 में फिर अलग कर दिया, जरूरत पड़ती है उपेंद्र कुशवाहा को भी इसी तरह यूज करते आए हैं। जब समता पार्टी बनी तो उपेंद्र कुशवाहा उनके सबसे करीबी थे, जब उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत पड़ी राज्यसभा भेज दिया, जब उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ी उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जब जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे यूज किया। अब 2020 में जब लौकु समीकरण ध्वस्त होता नजर आया तो फिर बुला लिए, आइए आइए जी। लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा को लेकर के जब नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने धरना दिया था, कुटाई हुआ था उनका जी, यही नीतीश कुमार कुटवाए थे अपने पुलिस से जी जी, बेचारे अस्पताल में भर्ती थे, सब लोग मिलने भी गया था बिल्कुल, बीजेपी के भी कई गो नेता गए थे, हमको तो याद आ रहा है कि संजय पासवान मिल करके और नीतीश कुमार पर पूरा पूरा मैंने खांची के खांची जी ओढ़ा दिए थे राखुन पर कि बाप रे बाप नीतीश कुमार शिक्षा को तो बर्बाद कर दिए। भैया, शिक्षा को बर्बाद करने का जो मामला है वो तो तेजस्वी यादव जैसा उठा रहे हैं आपको नजर आ रहा है। अब इस बजट को लेकर के जितना अपना अपने से अपना पीठ ठोक रहे हैं एनडीए
इसमें आप देखिए ना, हमने मुकेश सहनी को भी सुना, आप जो मुकेश सहनी से बात कर रहे थे जी, जी। तो उनको तो लग रहा था कि अरे बाप, एक दुनिया वाली कहानी है। वो हमारे पिताजी जब सेना में थे, तो जब सेना से लौट करके आते थे तो बहुत सारी बातें होती थी। उसी बीच में उन्होंने कभी एक कहानी सुनाई थी कि एक दुनिया था जो नदी किनारे गया जी। सुबह में लोग जाते थे नदी किनारे, तब देखा कि जहाज में भरा हुआ एकदम आ रहा था रुआ जी। पूरा ऊपर से जो पानी का जहाज होता है उसमें भरा हुआ रुआ आ रहा था, उसको देख कर उसका हार्ट अटैक कर गया जी। बोला बाप रे बाप, अगल बगल में लोग थे, बोला बाप रे बाप, इतना रुआ अकेले ढूंढना पड़ेगा, हम कैसे बचेंगे। यही हाल हुआ बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि अपने से अपना बजट पास कर देना, अपने से पीठ थपथपा देना। बजट की स्थिति ऐसी है कि पिछले बजट से जो आंकड़े तो हमने बता दिया, पहले भी हम एक बार फिर से बताते हैं कि 2,18,303 करोड़ का ये बजट है। बजट है, इस बजट में प्रावधान किए गए हैं पिछले बजट से 2,11,761 करोड़ का ये बजट पिछला था जी, जो इससे पहले का बजट था। इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुमानित लाभ की भी जो आय होगी सरकार को, जिससे खर्च करने का प्रावधान है, कहां कहां से पैसे आएंगे, उस सारे के आंकड़े बैठाए गए हैं, तो वो है 2,18,502 करोड़ का, यानी कि मान के चलिए कि 200 करोड़ के आसपास का मामला है। 500 करोड़ इसमें रोजगार के लिए दिया गया है मुकेश सहनी वाले विभाग को, जिसको लेकर के बड़ी खुश हो रहे हैं जी, कि अब तो सारा बाप रे बाप 20 लाख लोगों को जो देना है वो हम ही को देना है। वो बड़ी खुश होते हैं कि हाँ, हमने वादा तो किया था, हम तो देंगे 20 लाख। अरे भैया, 20 लाख देंगे कि नहीं देंगे वो छोड़ दीजिए, पिछले लगातार 15 साल से आप क्या कर रहे थे। उधर जब बात कीजिए शिक्षा का, तो फिर से आप तैयारी कर रहे हैं कि 5वां से 6वां कर देंगे, 6वां से 7वां कर देंगे। 25,000 रुपया देने का महिलाओं को, लड़कियों को कह रहे हैं कि इंटर पास करेंगे तो देंगे, 50,000 कह रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन करेंगे तो देंगे। अरे भैया, इसके अलावे भी आप भीख देना बंद कीजिए ना, आप लोगों को हाथ में काम दीजिए, रोजगार दीजिए, और तब देखिए कि लोग कैसे आपके यहाँ बिहार के विकास में अपना मदद करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। लोग हाथ को काम चाहिए, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। और उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे छोटे भाई हैं, उनका कहना ये चुनाव में उन्होंने कहा था कि बड़े भाई और मझले भाई को तो आपने भैया चुन लिया, अब के लिए हमको चुनिए जी। जनता ने है, जनता नहीं समझ पाई, उनकी बात नहीं चुन पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के जिस तरह से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के साथ जो साठगांठ और दोस्ती यारी वाली बात चल रही थी, फिर से घर वापसी की बात चल रही थी जी, मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कारण कि लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जम करके एकदम फूटा फूटे हुए हैं। हालांकि ये आपका रातों रात है जी, लेकिन खुटा ठोक, लेकिन खुटा तो ठोकाई में करेगा भाई। माने समझ लीजिए कि स्थिति इतना भयावह है कि पूरे बिहार भर में नाच के घूम करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और एकजुट करके लोगों को ये बता रहे हैं कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये डबल इंजन की सरकार जो है झूठ का पुलिंदा है, एकदम गई हुई सरकार है, और ये किसी का कोई भला नहीं कर सकती, है। यही कारण है कि फान के होने से आए थे। अब ऐसा स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बजट पर आम जनता, आप आम जनता लोगों से मेरा आग्रह है, निहोरा है, प्रणाम करके कहते हैं आप लोगों से जी, कि भैया जागिए, बजट में आपके लिए क्या है देखिए, समझिए, सिर्फ हवा हवाई बातें मत कीजिए। अगर आपके, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके उस क्षेत्र के बजट की राशि अगर खर्च नहीं हो रही है तो कौन बोलेगा भैया, कमा के ले आइएगा आप। एगो 5 रुपये का आप जाते हैं चॉकलेट टॉफी खरीदने, चूहा कुतर ले रहे तो लीजिएगा, एको बिस्कुट मत खाइए रहे, लेकिन खाली रैपर उसका काट दे तो लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो ऐसा सरकार लीजिएगा जो आपके वादा करके और कुछ नहीं, छुच्छे जेकरे मैया पुआ पकाए ओकरे बउआ छुच्छे। अब समझिए ना इस बात को, आप ही का पैसा, आप ही के पैसा पर बजट बन रहा है और आप ही के हाथ में नहीं मिल रहा है, सारे लूट ले रहे हैं। भैया आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, नहीं किए तो जेल जाइएगा जी। आप देखिए ना, आपको पेट्रोल साहब लोगों का, साहब लोग अगर 2020 में जो चुनाव जीत के आया होगा उसका देख लीजिएगा, जो हलफनामा दाखिल हुआ कि कितना का उसका पूंजी हुआ
कितना उसके पास अभी चल चल संपत्ति है, 5 साल के बाद देखिएगा जब चुनाव में भरने जाएगा। और आपको महंगा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम भी देना है खुद से ही, रोज बढ़ रहा है भाई, बर्बादी के तरफ एकदम पूरा का पूरा व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए आवाज तो उठाना पड़ेगा। बाबू मैं एक बात बता दूं कि जब हमने इसको लेकर के तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, तो सवाल किया था कि बिहार में जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैट लगाती है एक अच्छा होता है रकम वैट का, जो कि सब आदमी को देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी है जो कि सेंट्रल लगाती है, वैट है जो कि बिहार सरकार लगाती है, बिहार सरकार अगर चाहे तो वैट कम करके बिहार की जनता को राहत दे सकती है। इसी मसले पर जब हमने सवाल किया था तारकिशोर से, उन्होंने अपना गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया, साफ ने कहा भैया जब आपके पास जवाब नहीं है, आपके जनप्रतिनिधियों के पास जवाब नहीं है, आपके नेता मंत्री मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है, तो या तो आपको उंगली उठा कहेंगे किस दल के समर्थक हैं आप, जी बिल्कुल, नहीं तो शीशा चढ़ा लेंगे। एगो सिनेमा देखे थे अनिल कपूर वाला सिनेमा, वो था जी जी, उसमें हाथ काट लिया था, नहीं बिल्कुल हाथ काट लिया था, स्थिति बड़ा भयावह है। बजट पर ध्यान आप लोग रखिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जीवित हैं, जागृत जी, हालांकि भारत लाइव की जनता तो दर्शक तो भाई जागृत है, जागृत, अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग कैसे होते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि रातों रात में कौन ऐसे भाई हैं नीतीश कुमार के जो कि बजट तो पास हो गया है लेकिन नीतीश कुमार से नाराज हैं, और अभी से रातों रात का ये जो शो है उसके बाद सब लगातार विधानसभा की खबरें आपको लगातार दिन भर मिलती रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, क्या इस बजट में क्या कुछ मिला आपको, कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700, धन्यवाद।